वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास वन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 12 बेईमानी का फल। इसमें बेईमानी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई बेईमानी करता है तो उसका उसे क्या फल मिलता है। कलवा गांव में रहता था, उसका दूध का कारोबार था। जीविका के नाम पर उसके पास दो गाय और दो भैंसे थीं। वह उनका दूध निकालकर बर्तन में भरता और बर्तन को साइकिल पर टांगकर शहर ले जाता और दूध बेचकर आता। इस प्रकार दूध बेचकर मिले पैसों से वह मवेशियों व परिवार का गुजर बसर करता। मवेशी होते हैं पशु जिन्हें हम पालते हैं ना, उनको बसर करता। उसके दिन बड़े मज़े से बीत रहे थे। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं दूध में पानी मिलाकर बेचा करूं। मतलब उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर मैं दूध में पानी मिलाऊंगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसे मैं खर्च भी नहीं कर पाऊंगा और वो मैं अपने पास सेव करके रखूँगा। वह दूध में पानी मिलाने लगा। अब मतलब उसके मन में लालच आ गई ना, दूध ज़्यादा बिचेगा, पानी मिला दूध बिचेगा तो उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसके मन में लालच आ गई है ना। अब साइकिल पर एक नहीं दो बर्तन टंगे होते थे और उसके ग्राहक अब उससे शिकायत करने लगे कि दूध पहले जैसा नहीं है, पतला है। परंतु वह बहाने बनाकर उन्हें बहका देता। उसके ग्राहक तो उससे शिकायत कर रहे थे कि दूध पानी नहीं है, दूध अच्छा नहीं है, पतला हो गया है, तो वो कोई ना कोई बहाने बनाकर अपने कस्टमर को समझा देता था। एक दिन जब वह दूध बेचने जाने लगा तो घर में रखी सारी नगदी एक थैले में भर ली। घर पर रुपया रखना खतरे से खाली नहीं है, सो आज इसे बैंक में जमा कर दूं। यह सोचकर वह दूध के साथ थैला भी ले चला। मार्ग में उसे प्यास लगी, मतलब मार्ग होता रास्ता, उसे प्यास लगी। उसने साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी की और कुएं से पानी खींचने लगा। तभी पेड़ से एक बंदर उतरा। उसने थैले में कुछ खाने की वस्तु समझी और साइकिल से थैला उतारकर तेजी से पेड़ पर जा चढ़ा। उसने क्या समझा, उस थैले में क्या है, कोई खाने की चीज़ है, तो उसने उस थैले को निकाला और पेड़ पर जाकर बैठ गया। उस थैले में कुछ और तेजी से कलवा ने यह देखा तो शोर मचाते हुए ताली बजाकर बंदर को डराने की कोशिश की कि नीचे फैला थैले को फेंक दे, परंतु बंदर पर इसका कोई प्रभाव ना पड़ा। बंदर थैले में से रुपया निकालकर इधर उधर फेंकता रहा। दूर दूर तक पेड़ों पर उतरते चढ़ते उसने थैले में भरे आधे रुपए यूं ही फेंक दिए। इसके बाद थैला भूमि पर फेंककर वह दृष्टि से ओझल हो गया। कलवा ने दौड़कर थैला उठाया। थैले में से आधे रुपए जो बंदर ने फेंक दिए थे उन सभी का वापस मिलना असंभव था। असंभव यानी मुमकिन ही नहीं था कि मिल जाए। कलवा ने भाग दौड़ कर बिखरे हुए कुछ पैसे उठाए, परंतु शेष न जाने पर गुम हो गए थे। अब कलवा की समझ में आ गया कि बंदर ने पानी की कमाई तो हवा में उड़ा दी। मतलब जो उसने धन आया था, उसके दिमाग में लालच आया था पानी को जोड़ जोड़ कर, वो तो उसने हवा में उड़ा दी, लेकिन वास्तविक जो उसने मेहनत की थी और उसका जो लागत आई थी वो कमाई उसके थैले में ही रह गई है ना। वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, थैले की वास्तविक कमाई ही बची थी। पानी का पैसा व्यर्थ चला गया। बंदर के रूप में प्रकृति ने उचित न्याय किया। यानी हम सोचते हैं अगर हम किसी का धन ले लेंगे तो हम धनपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लालच बेकार चीज़ है। हमें हमेशा अपने पास जो चीज़ें हैं और जितनी हमारी कमाई है हमें हमेशा उसमें ही खुश रहना चाहिए, है ना। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। जीविका, जीवन चलाने का स्थान। साधन, मवेशी यानी पशु। नगदी, नगद रुपये पैसे। मार्ग में, रास्ते में। दृष्टि से ओझल हो जाना यानी दिखाई ना देना, असंभव, ना हो सकने योग्य। शेष यानी बाकी या बकाया। दूध का दूध पानी का पानी यानी उचित न्याय। वास्तविक, आलसी, व्यर्थ, बेकार। प्रकृति, कुदरत।
उचित ठीक न्याय किसी के प्रति ठीक ठीक निर्णय करना। जीविका के नाम पर अब हम सही विकल्प पर चिन्ह लगाएंगे। जीविका के नाम पर कलवा के पास क्या था, कौन कौन से पशु थे, 2 गाय और 2 भैंस। कलवा दूध बेचने जाता था बर्तनों को साइकिल पर टांग कर। कैसे जाता था, बर्तनों को साइकिल पर टांग कर। अपनी आय बचा बढ़ाने के लिए कलवा ने क्या सोचा, दूध में पानी मिलाकर बेचने लगा। कलवा ग्राहक से शिकायत करते थे कि दूध पतला होने लगा है। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। कलवा गांव में रहता था, कलवे के पास भैंस गाय थी। कलवा दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। कलवा दूध में से मैं पानी मिलाने लगा। एक बंदर ने कलवे को अपने पाप का दंड दिया। अब हम करेंगे जोड़ी मिलाना। कलवा शहर जाता था, दूध बेचकर आता था। कलवे के दिन बड़े मजे से बीत रहे थे। अब कलवा दूध में पानी मिलाने लगा। घर पर रुपया रखना खतरे से खाली ना था। उसने साइकिल पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। थैला भूमि पर फेंक कर बंदर दृष्टि से ओझल हो गया। बार्तनी सुधार कर लिखो, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इनके 2-2 अन्य नाम लिखिए, गाय गौ धेनु, बंदर बानर कपि, पेड़ वृक्ष तरु, दूध दुग्ध पय। लिंग बताइए, बंदर पुरलिंग। अब बाकी के मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी सारे चैप्टर्स में कराए हैं, अब ये आपको करना है, ठीक है। कलवा किस प्रकार अपनी जीविका चलाता था। कलवा दूध बेचकर अपनी जीविका चलाता था। कलवा दूध में पानी क्यों मिलाने लगा था। ज्यादा धन कमाने के लालच में कलवा पानी मिलाने लगा। कलवा के ग्राहक पानी मिले दूध को पाकर क्या करते थे। कलवा के ग्राहक पानी मिले दूध को पाकर उससे शिकायत करते थे। बंदर ने साइकिल से थैला उतारकर क्या किया। बंदर ने साइकिल से थैला उतारकर थैले में से 50 रुपए हवा में उड़ा दिए। कलवे के पास दूध का दूध पानी का पानी किस प्रकार हो गया था। दूध की कमाई थैले में थी, पानी की कमाई हवा में उड़ा दी।